हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका भाई लौट आया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो काफी खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं इंडिया के तो बहुत ही टैलेंटेड अप एंड कमिंग वेबटून आर्टिस्ट का। तो प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। हे गाइस, मेरा नाम आर्यन है और मैं इंडियन वेब कॉमिक मैग्मा का आर्टिस्ट हूँ। और हे गाइस, मेरा नाम अंशु है और मैं मैग्मा की स्क्रिप्टिंग करता हूँ। तो मैंने आपका ये वेबटून पढ़ा मैग्मा और मुझे काफी पसंद आया। प्लीज अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। तो बेसिकली मैग्मा एक इंडियन वेब कॉमिक है और इसमें जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक एक्स मिलिट्री मैन होता है और अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहा होता है। तो फिर क्या बोलते हैं, एक दिन उसके साथ एक टर्न ले लीजिए। हाँ, वो एक इंसिडेंट टाइप होता है। तो मतलब चीजें फिर अभी नॉर्मल नहीं रही है उसके लिए, चीजें फिर वो कोशिश करता है नॉर्मल करने की, फिर वो और बिगड़ती जाती है। अभी तो हम स्टोरी इतना ही बता सकते हैं आपको। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो आपको कॉमिक पढ़नी पड़ेगी, तो आप वेबटून या फिर स्ट्रिप ऐप पे पढ़ सकते हो। तो आपको ये वेबटून बनाने का आइडिया कैसे आया? तो ये बात है, जब हम 10th में थे तब हम काफी ज्यादा मार्वल्स की मूवीज देखते थे, तो हम काफी माइंड ब्लो भी हो गया था हमारा स्टोरीज देख के। तो हमने सोचा कि ऐसा कोई इंडिया में क्यों नहीं है। तो अगर इंडिया में नहीं है तो फिर हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने पहले बहुत स्टोरीज बनाए, फिर बाद में 11th में आके हमको एनीमे मांगास के बारे में पता चला, तो वहां से हमने इंस्पायर होके कॉमिक्स बनाना स्टार्ट किए। इसलिए अभी हमने स्टार्ट किए कॉमिक्स बनाना। तो हर किसी आर्टिस्ट के कुछ रोल मॉडल्स होते हैं जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया रहता है या जो उन्हें मोटिवेट करते हैं और बेहतरीन काम करने के लिए। तो वैसे आप लोग के रोल मॉडल्स कौन है? तो मतलब रोल मॉडल्स कोई था तो नहीं हमारा, मतलब ये स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती थी इसलिए हमने ये सब करना स्टार्ट किया था। तो हाँ, मतलब हम मार्वल से इंस्पायर हुए थे पूरा का पूरा। तो अभी ऐसे कोई इंसान को हमने देखा नहीं कि ये स्टोरी बनाता है, इससे हम इसको देख के हम बनाना चालू किया नहीं। हमने ये देखा कि इंडिया में ये स्टोरी है ही नहीं, इसलिए हमने स्टार्ट किया। वही मतलब कुछ था नहीं तो सोचा हम ही शुरू करते हैं। वही तो, वैसे तो मैंने आपका वेबटून पढ़ा है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें आप बता सकते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो रीडर्स हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वेबटून से, मैग्मा से? तो ये तो अभी हमारा एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रोजेक्ट है। ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मतलब स्टोरी कैसे काम करती है, मतलब कैसे लोगों को क्या पसंद आता है क्या नहीं आता। तो अगर 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 आपको ऑडियंस मिल गई, लोगों को पसंद आ गई ये वेबटून, तो फिर हम और भी इसमें स्टोरी ऐड कर सकते हैं और भी डिफरेंट कैरेक्टर डाल सकते हैं, इसका यूनिवर्स बना सकते हैं। वही डिपेंड्स। तो अभी तो आप लोगों ने जस्ट शुरू ही किया है वेबटून बनाना, 4 या 5 चैप्टर आए शायद से, तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है इस वेबटून से? तो हमारा इतना एक्सपेक्टेशन तो हमने लेके चले नहीं थे ये स्टोरी बनाते हुए। हमारा बस ये था कि लोगों को पसंद आ जाए, लोगों को कैसा लगता है। और ज्यादा से ज्यादा हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी पहुंच गए फिर भी हम काफी खुश हैं। कैन यू टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चैप्टर? जो एक चैप्टर बनाने का प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से उसके पब्लिश होने तक, वो कैसा होता है? तो स्टार्टिंग के वीक में मैं सब स्क्रिप्ट लिख के तैयार करता हूँ। स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग मतलब साथ साथ साइमल्टेनियसली चलती रहती है। हाँ, मतलब स्टोरी बोर्डिंग ऐसे स्क्रिप्ट के साथ ही चलती है कि इधर ये बना रहा है स्क्रिप्ट, उधर मैं साथ साथ स्टोरी बोर्डिंग कर रहा हूँ, तो आसान हो जाता है पैनलिंग करने में। वो कोई चेंजेस करें तो वो भी हो जाता है। हाँ, वही। फिर हम रिसर्च करते हैं कुछ टॉपिक के बारे में जानना है, जैसे कि हमारे पुलिस उनके यूनिफॉर्म उनके बैजेस के बारे में था, तो हमने रिसर्च की थी। फिर बाद में बाकी के 3 वीक्स तक मैं ड्राइंग करता हूँ पेजेस की सारी। और फिर लास्ट का अगर हमारा टाइम से पहले थोड़ा सा हो गया, कभी होता तो नहीं हमारा, बहुत कम होता है, पर अगर हो गया टाइम से पहले कंप्लीट तो हम रिव्यूज ले लेते लोगों का। वैसे आप लोगों की फेवरेट वेबटून्स कौन सी है? तो वेबटून तो मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मतलब वेबटून और मांगा दोनों ही। मैंने वेबटून जो पढ़ी मतलब अब तक सिर्फ एक ही जो है मतलब अच्छी खासी जो लॉन्ग रनिंग वाली मैंने वेबटून पढ़ी है वो अनऑर्डिनरी है। और मतलब और ही बाकी मतलब पढ़ी है वेबटून, जैसे अबैंडन प्रिंसेस हो गया, मिरर हो गया। तो मैंने हाई स्कूल भी पढ़ा था, गॉड ऑफ हाई स्कूल, वो भी एनीमे में बोला था कि इतना ज्यादा दिखाया नहीं है। हाँ, वही। तो वेबटून उसका भी थोड़ा पढ़ा था मैंने कि मतलब तो मतलब अच्छा खासा पढ़ा पढ़ लिया था क्योंकि एनीमे तो बहुत आगे निकल चुका था।
What were the challenges you faced while making this webtoon? तो challenges तो बहुत आए थे हमको starting में मेरी भी इतनी अच्छी drawing नहीं थी, अंशु की भी इतनी अच्छी writing नहीं थी, हमको काफी ज्यादा improve करना पड़ा। फिर बाद में हमने शुरुआत के टाइम तो यही वेस्ट कर दिया कि और इम्प्रूव करना है। फिर बाद में हमने सोचा कि कब तक इम्प्रूव करेंगे, ऐसे तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। तो हमने फिर डिसाइड कर लिया कि अभी पोस्ट कर ही देंगे, अभी ख़त्म, सब वेटिंग ख़त्म। तो हमने पहला चैप्टर बनाना स्टार्ट किया, पर वो उसको बनाने को काफ़ी टाइम लग गया था, हमको तीन महीने लग गए थे लगभग हमको बनाने में। बना रहे थे कि हम सब परफेक्ट करना चाहते थे कि ये पहला स्टार्टिंग परफेक्ट, ये सब परफेक्ट। फिर बाद में हमने रियलाइज किया कि कभी कुछ परफेक्ट तो बन ही नहीं सकता। फिर हमने खुद को डेडलाइन दे दी कि 15 डेट तक कंप्लीट करना नेक्स्ट मंथ के, तो हमने कंप्लीट कर दिया। फिर अभी हम एवरी वही हर 15 को जैसे आता रहता है हमारा चैनल, एवरी 15 को हम अपलोड कर दे, तो डेडलाइन आ जाती है, तो वो अभी करना पड़ता है क्योंकि अगर हमने डेडलाइन नहीं दी होती तो अब तक हम शायद फर्स्ट चैप्टर ही बना रहे होते हैं। I really like how the setting and everything is very local and relatable. What are your favorite things about your comic and what do you want to improve on? तो हमें भी यही अच्छा लगता है कि काफी local setting है, काफी basic सी story है, ऐसे कुछ ज्यादा अलग से हटके नहीं है। लोग भी काफी connect कर सकते हैं ये character को, क्योंकि ऐसे ये character उनके बीच में रहने वाला character type है और लोग भी उस character के साथ grow हो सकते हैं। और अगर इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव तो बहुत कुछ करना है, जैसे कि मेरा आर्ट वो भी मेरे को काफ़ी इम्प्रूव करना है। ये प्योर मोनोक्रोमेटिक भी नहीं है, अगर ब्लैक एंड वाइट जैसे मांगास में देखते हैं आप काफ़ी उधर क्रॉस हैचिंग लाइन वर्क्स होते हैं मेरे, मैं ज़्यादा शेडिंग करता हूँ कलर देखे, तो मेरे को वो इम्प्रूव करना है। और हाँ, मतलब जैसे जो डायलॉग्स मैं लिखता हूँ वो ही मतलब थोड़े और नेचुरल साउंड करे तो मतलब अच्छा रहेगा, तो वो चीजें हैं मतलब जो इम्प्रूव करनी है। Is there anything you'd like to say to people who are still trying to figure out how to start? तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा लोगों को कि स्टार्ट कर दो, वेट मत करो। कोई काफी लोगों का मैं देखा है वो बोलते हैं कि अब तक काम है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इम्प्रूव करना है। कोई किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं होती, अगर तुम लोग वेट करोगे तो कभी तुम्हें ड्राइंग कॉमिक आ नहीं पाएगी, इसलिए तुम अपलोड कर दो, फिर तुम्हारे कॉमिक के साथ साथ तुम्हारी ड्राइंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। वेट करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो क्या आप लोग बाकी इंडियन वेबटून आर्टिस्ट या कॉमिक आर्टिस्ट के चीजें भी पढ़ते हैं जो अभी पॉपुलर नहीं है, जो आप लोग की तरह स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप चाहोगे कि हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करना चाहोगे? तो इंडियन वेबटून्स और कॉमिक तो मतलब बहुत सारी हैं असलियत में, मतलब हम सरप्राइज हो गए इतने सारे देख के, हमको लगा कि हम फर्स्ट लोग में से होंगे जो बना रहे हैं, पर एक्चुअली में काफी पैसे बना रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं रिकमेंडेशन में तो ले सकते हो कि अबैंडन प्रिंसेस, मिरर हो गया, अर्थ्स बैटलफील्ड रॉयल हो गया, कलयुगा भी है और एंटैंगल से लेके विदरिंग डे से लेके बहुत सारी हैं। स्लाइस ऑफ लाइफ मिलेंगे इसमें आपको, एक्शन पे मिलेंगे इसमें आपको, रोमांस पे मिलेंगे आपको, फैंटेसी पे मिलेंगे आपको, बहुत सारे हैं, तो उन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। और स्ट्रीपी पे मोस्टली, तो स्ट्रीपी पे सारे इंडियन वेब कॉमिक जो ही मैंने नाम लिया वो सब अवेलेबल है। स्ट्रीपी वो इंडियन ऐप ही है, वो इंडियन वेब कॉमिक ऐप है, वो काफी सपोर्टिव है, आप भी अपलोड कर सकते हो। आप वेबटून पे भी पढ़ सकते हो, पर वेबटून पे ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो स्ट्रीपी रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो इंडियन भी है और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडियन लोग ही है। तो बस आज के इंटरव्यू के लिए इतना ही था, आई प्रे फॉर योर सक्सेस। प्लीज इनका वेबटून चेकआउट करिए, और जाने से पहले आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स वाका बॉय, हमको ये इंटरव्यू में आपने बुलाया है, थैंक्स। अगर आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप हमारी आईडी पे जा सकते हैं, plasma_comics_officials, एंड थैंक यू वाका बॉय वंस अगेन फॉर द इंटरव्यू। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज जाके इनका वेबटून चेकआउट कीजिए और इन्हें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।